तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से। तो इस कढ़ाई में दाग लगा हुआ है, देखिए इस साइड भी ढेर सारा दाग लगा है। तो अभी मिट्टी से रेता से छुड़ाएंगे। पर क्या आ चुके हैं? हाँ, तो हमारी अंजलि भी नहाई है और मंजली। तो दोस्तों आज फर्श की धुलाई कर रहे हैं, कुछ मिट्टी इस पर चिपक गया है। अब इस कमरे को धो रहे हैं। और आप सब बोलोगे कि संगीता जी इसमें डिब्बे क्यों रख रही हो, अलमारी में कौन रखता है? तो इसका रीजन को सेट करती हूँ अच्छे से। और नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों हम तैयार हो चुके हैं, अब चल रहे हैं यहाँ से। तो दोस्तों आज फर्श की धुलाई कर रहे हैं, कुछ मिट्टी इस पर चिपक गया है तो इसको धो रहे हैं। तो अभी पोछा लगा देंगे। गिर जाओगी अंजलि, फर्श को भिगा रहे हैं। तो आज बहुत दिन के बाद धुल रही हूँ, सिर्फ पोछा ही लगा रहे थे। पानी ले आती हूँ और सारा बिस्तर यहाँ निकाल दी हूँ, दुआरे पे रखी हूँ सूखने के लिए। यहाँ डिब्बा को धुल दी हूँ। तो हम पानी भर लाते हैं बाल्टी से अभी। तो यहाँ बाहर की तरफ पानी डाल रहे हैं, तो पानी इसलिए डाल रहे हैं जो मिट्टी चिपकी हुई है तो वो गल जाएगी। तो अभी झाड़ू लगाने से निकल भी जाएगा, कुछ पोछा लगा देंगे उससे भी निकल जाएगा। इसी तरह से कमरे का घूमना है। तो दोस्तों उस वाले झाड़ू से लगा के नहीं बन रहा था, तो ये वाला झाड़ू उठा ली हूँ। और देखिए पानी इसी तरह हम साफ कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ दोस्तों लाइट नहीं आएगा कुछ दिन तक, बाढ़ आ गया है। जहाँ ट्रांसफार्म है ऐसे बोलते हैं वहाँ पर, तो बाढ़ आ गया है, उस घर में भी पानी भरा हुआ है। और खासकर अयोध्या में सब जगह बहुत जगह जगह पानी भरा है, लोग घर भी खाली करके इधर उधर बस रहे हैं। तो हम सबका किस्मत थोड़ा ये ठीक है कि हम सब अयोध्या से बहुत दूर हैं। तो दोस्तों उस कमरे का झाड़ू लगा चुकी हूँ, फर्श धुल चुका है। अब इस कमरे को धो रहे हैं। तो हम सामान को भिगाए नहीं है दोस्तों, बहुत आराम से पानी डाल के यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। तो फर्श को अच्छी तरह से धो दिए हैं और दोनों कमरा को धो दिए हैं। तो अब खा लेते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। यहाँ 1 बजने वाला है, अभी कपड़ा भी धुलना है। तो आज सारा काम सुबह निपटा कर कपड़ा मैं रख दी थी, धोई नहीं हूँ। यहाँ दाल चावल और रोटी तोड़ के रख दी हूँ, यहाँ भरता है बैगन का। तो दोस्तों यहाँ पर बर्तन को माँज रहे हैं मिट्टी और रेता से। तो रेता इसी पेड़ के जड़ में है, तो वहीं से मैं निकाली हूँ। तो अभी मैं साफ कर दूंगी, नदी दिखा दो। तो इस कढ़ाई में दाग लगा हुआ है, देखिए इस साइड भी ढेर सारा दाग लगा है। तो अभी मिट्टी से रेता से छुड़ाएंगे। तो हम सब पहले ऐसे ही बर्तन माँजते थे राख से, अब तो राख मिलता ही नहीं क्योंकि चूल्हा जलाते ही नहीं, लकड़ियाँ जुटा ही नहीं पाते। माँज लेते हैं फिर राख से मिलते हैं, धूप तो आज तेजी से है। तो कढ़ाई को बहुत अच्छे से बर्तन को माँज ली हूँ, अभी धुल के आप सबको दिखाती हूँ। तो मिट्टी से माँजने से कितना साफ होता है। तो ले चलते हैं नल से धुल लाते हैं, बाकी बर्तन यहाँ पर धुल के रख दूँगी। तो देखिए दोस्तों कढ़ाई में बहुत लगा हुआ था दाग धब्बा, तो सब छूट गया है। तो देखिए कढ़ाई हमारा कुछ इस तरह साफ हुआ है। ये जो किनारे लगा है तो ये नहीं साफ होगा, और ये कुकर भी अंदर से बहुत अच्छे से साफ हो गया है। तो दोस्तों अब कपड़ा धुलना है और मैं भीग चुकी हूँ, वैसे मैं सुबह नहाई थी, अब दोबारा फिर नहाना पड़ेगा क्योंकि आज वैसे काम ही करना पड़ा, धुले सब
तो खाना मैं खा ली टाइम निकाल के। तो दोस्तों यहाँ चंदन के पापा ये मक्के की पत्ती काट रहे हैं और मुर्गियों को खिलाएंगे, तो मुर्गियाँ घास भी खाती हैं तो इसीलिए चारा भी डाले हैं तो वो खा चुकी हैं। यहाँ मक्का का पत्ती काट रही हैं। सभी दीदी भैया को राम राम। कट भी नहीं रहा है तो वहाँ काट रहे हैं पत्तियाँ। और मैं यहाँ अभी देखिए एक टब कपड़ा भिगाई हूँ तो अभी कपड़े को धुलना है, जा रहे हैं धुलने। ऐसे पढ़ कर आ गए हैं, पढ़ के आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा भी धुल चुके हैं, अब नहाना है। गुंजन शीतल पढ़ के चंदन सब आ गए हैं स्कूल से। दोस्तों कपड़े का पानी मैं निचोड़ती नहीं हूँ क्योंकि कपड़े में सिकुड़ा नहाने लगता है। तो हमारी कल कनाडा की दीदी जो फर्श लगवाई है बोल रही हैं संगीता जी कि कपड़े का पानी इसको निचोड़ लीजिए तो आधा घंटा में सूख जाएगा। तो सच बात है दीदी, लेकिन हम सबका एक रीजन है कपड़े का कम निचोड़ते हैं क्योंकि इस्त्री नहीं करते हैं, प्रेस जिसे कहते हैं कपड़े का। तो किसी का पूरे परिवार का कपड़ा प्रेस नहीं होता, हम सभी प्रेस का कपड़ा हम सब पहनते हैं दोस्तों। और कितना कपड़ा प्रेस कराएंगे, तो आगे से दीदी के बातों का ध्यान रखूंगी। आज भी मैं कपड़े का ये पानी ज़्यादा नहीं गार रही हूँ क्योंकि इस तरह जब हम मोड़ेंगे तो कई कपड़े में ऐसे निशान बन जाएगा, तो इसीलिए तो हल्का हल्का हम पानी निकाल देते हैं दीदी के कहने से। तो हमारी दीदी ने सुझाव देती हैं जो हमसे गलती हो जाता है। और मैं पर्दा उल्टा लगा दी थी, खिड़की के पास बाहर से लगाई थी तो दीदी बताई हैं तो अंदर से लगा दी थी। आप सबको माता रानी हमेशा खुश रखें और हमारी दीदी को भी माता रानी हमेशा खुश रखें, उनको लाखों खुशियाँ मिले, आप सबको भी मिले। जो आप सब इतना हमें सुझाव और इतना अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो चलती हूँ मैं नहाती हूँ, अमरा खा रही हूँ। तो हम नहा लिए हैं और अंजलि भी नहाई है तो इसका गिर जाता है कंधे से कपड़ा, तो अमरा खा रही हैं औरा। तो आज मैं नाखून काट रही हूँ, नहा ली हूँ, सारा काम ख़त्म कर दी हूँ। तो आज 3-4 दिन हो गया। तो दोस्तों अभी बाल में कंघी भी नहीं किए हैं, नहा के तुरंत यहाँ आकर बैठे हैं। तो अभी बच्चे बहुत खट्टा है। क्या है? अमरा खट्टा है। खट्टा है तो इन खट्टा बहुत पसंद है ना? नहीं, मीठा पसंद। मीठा पसंद है तो क्यों खा रही हो खट्टा? क्यों खा रही हो अंजलि? खट्टा भी अच्छा लगता है, मीठा भी। अच्छा, तो दोस्तों नहाने के बाद में अब भी काम बंद नहीं हुआ। अभी मैं नहा ली है। हाँ, तो यहाँ बिस्तरा लगा रही है। हम भी नहा ली है। हाँ, तो हमारी अंजलि भी नहाई है और मैं भी नहाई हूँ। तो अभी तकिया हाल में मैं धुली थी, फिर धुलने वाली हूँ। दोस्तों ये खोल गंदा हो गया, अभी इनका नहीं गंदा हुआ लेकिन मेरा इसी रीजन से गंदा होता है कि हम सरसों का तेल लगाते हैं ज्यादा। दोस्तों हम सब कंबल ओढ़ने लगे हैं, ठंड होने लगा है तो बच्चे भी ओढ़ते हैं, हम सब भी ओढ़ते हैं। तो इधर का बिस्तरा लगा दिए हैं, चलते हैं बच्चों का बिस्तरा लगाते हैं। और सब भीगा हुआ था सूखने के लिए तो अंजलि भी पकड़ी हुई है। तो हमारी दीदी बताई है तो अंदर से पर्दा मैं लगाई हूँ यहाँ खिड़की पे, यहाँ पर पर्दा और ये भी दीवार का जो है ये भी अंदर से लगा दिए हैं। मुझको बंद करती। हाँ, अंजलि हमारी बंद हो गई, मुझको बंद कर दी बोल रही है। तो हमारी बेटियाँ भी काम में लग गई हैं, अब जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो अंजलि भी आ गई हैं। तो टिफिन को यहीं पे रखेंगे। तो आप सब बोलोगे कि संगीता जी इसमें डिब्बे क्यों रख रही हो, अलमारी में कौन रखता है? तो इसका रीजन ये है दोस्तों, हम कपड़ा ज्यादा नहीं रखते हैं, वही पुराना वाला कपड़ा जो डेली पहनते हैं वही रखे हैं। चूहा इसमें घुस जाता है अलमारी में, तो कई कपड़े काट दिए थे तो इधर से चला जाता है जो छोटा वाला चूहा होता है, तो डिब्बा उसी में रख दी। अभी तो खाली है वो।
हैं, बर्तन को हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। बर्तन को सेट करती हूँ अच्छे से, और अभी गुंजन यहाँ खिलौना उठा रही है। तो दोस्तों आज सुबह से लेकर शाम तक जितना काम किए और आप सबको वीडियो में दिखाई, तो दोस्तों सुबह उठकर जो खाना बना वो नहीं दिखा पाई थी, और बाकी जितना काम किए हम सब दिखाए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। तो दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, आप सब पूछोगे ज़रूर उस बात को, तो हमारी बहन का अभी तबीयत ठीक नहीं है, अभी वो अस्पताल में भर्ती हैं, तो घर पे जैसे आएंगी तो मैं आप सबको बताऊंगी कि उनका तबीयत कैसा है। और बीच में हम गए भी थे, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्ते, लाइक कर सबको।